नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले साल फरवरी में जब कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी, इस बीच निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात में बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचे। लेकिन ये चर्चा में तब आया जब इसमें बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आरोप है कि इस जमात में शामिल लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए, जिससे कोरोना महामारी काफी ज्यादा फैली। बाद में दिल्ली पुलिस ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और इसे बंद करवा दिया। अब एक साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज को फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके तहत उन्होंने आग्रह किया कि शबे बारात आने वाली है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज और इबादत करते हैं। इसके अलावा रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल वजी शफीक, वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता मौजूद रहे, जबकि दिल्ली सरकार की ओर से वकील नंदिता राव ने पक्ष रखा। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और वकील रजत नायर केंद्र का पक्ष रखने के लिए वर्चुअली जुड़े। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को राहत देते हुए मरकज को फिर से खोलने का आदेश दिया। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए कोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं, जिसके तहत सिर्फ 50 लोगों को ही मरकज में प्रवेश करने की इजाजत रहेगी। साथ ही जो लोग शामिल होंगे उनके नाम और पते स्थानीय पुलिस थाने में जमा करवाए जाएंगे, जहां से स्थानीय थाना इंचार्ज परमिशन लेटर जारी करेंगे। पिछले साल तबलीगी जमात को जब कोरोना वायरस फैलाने का क्लस्टर बताया गया, तो देश भर में जमातियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। लखनऊ में इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार 9 लोगों को बरी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई, ऐसे में उन्हें छोड़ा जा रहा है। ये सभी जमाती थाईलैंड से आए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।